सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज पाल ए के द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रूम के अपडेट के साथ, जो कि स्टैक ओएस का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे मी 11 पोको F3 और रेडमी K40 के लिए। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एज यूजल हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहां पे हम लोग जाके देखेंगे एंड्रॉइड 13 5 नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। कर्नल हम लोग को यहाँ पे नो कर्नल देखने को मिलती है, जो कि अपस्ट्रीम 246 के ऊपर बेस है। इसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे जो हम लोग को लॉन्चर देखने को मिलता है वो पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है। यहीं पर ही वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करें तो वही टिपिकल हम लोग को यहाँ पे जो लेआउट रहता है वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बग भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। जिस हिसाब से है मतलब अनऑफिशियल और सारी चीजें बोली जा रही है, वैसे बीटा अपडेट भी है ये स्टैक ओएस का, जो कि हमारे एलियोप डिवाइस के ऊपर है। यहीं पर अगर हम लोग टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में हम लोग को ऑलमोस्ट हर एक टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, सिवाय FPS मीटर को छोड़ के। FPS मीटर मुझे सेट करने के लिए यहाँ पे मुझे फोन को रूट करना पड़ा था, उसके अलावा और आगे हम लोग बात करते हैं। यहीं पर ये डिवाइस नेटवर्क इंटरनेट सारी चीजें एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आप समझ चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को गेम मोड देखने को नहीं मिलता है। यहीं पर अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो बैटरी का यूजेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है ऑलमोस्ट, इससे अच्छा मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको, वो ज्यादा हम लोग को सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को जो आइडल ड्रेन देखने को मिला है वो 1.33 है, सबसे लोवेस्ट है ये, और एक्टिव ड्रेन ये हम लोग को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिला है 10.16। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आपको इसका हाईएस्ट आइडल ड्रेन दिखा देते हैं, जो कि 2.31 है, और लोवेस्ट एक्टिव ड्रेन हम लोग को 2.81 देखने को मिला है, जहाँ पे 24% हम लोग की बैटरी बाकी थी। यहाँ पे हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम जो देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट 5 आवर का था, 5 आवर प्लस ही है, ऑलमोस्ट 5.5 आवर का आप एक हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग को यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें इसके वापस से सेटिंग पे आए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके डिस्प्ले पे हम लोग को वही टिपिकल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। 60 Hz पे मैंने इसे ले किया क्योंकि ये लाइंस जो हैं DC डिमिंग एंड ऑल इनेबल करने पे ही वो कम होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस रोम के कस्टमाइजेशन पे आ जाएं तो इतना ज़्यादा ह्यूज लेवल का कस्टमाइजेशन नहीं है, थोड़े बहुत आइकॉन्स और आप ऊपर के जो स्टेटस बार के आइकॉन्स हैं उनको चेंज कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। अनलिमिटेड गूगल फोटोज में भी इनेबल्ड है, मैंने चेक नहीं किया है, और अनलॉक हायर FPS भी हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता ऑप्शन। यहीं पर अगर बात करें सिक्योरिटी की, फिंगरप्रिंट एकदम एनिमेशन के साथ एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे डिवाइस हम लोग को इंक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है। सिस्टम पे चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, अब डेटा देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन पे वापस आए तो यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्ट कैमरे में कुछ ऐसा कैमरा देखने को मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन का एक बेसिक कैमरा है आई थिंक। ओके, तो इसके अलावा और कुछ यहाँ पे बाकी नहीं है। आते हैं एंटूटू बेंचमार्क पे। एंटूटू बेंचमार्क का जो हम लोग को स्कोर देखने को मिला था वो हम लोग को देखने को मिला है 657,205, जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 7.2 सेल्सियस, जो कि 20.5 सेल्सियस से 27.5 सेल्सियस तक की है। 0% बैटरी ड्रेन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। गीकबेंच की यहीं पर ही बात करें तो यहाँ पे हम लोग को जो सिंगल कोर में 767 है, मल्टी में 2884 देखने को मिला है। यहीं पर अगर हम लोग ML टेस्ट की बात करें तो ML टेस्ट का जो हम लोग का स्कोर देखने को मिला है सिंगल में CPU का वो 377 है, और GPU की बात करें 1339 देखने को मिला है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें CPU टोटल का रिजल्ट भी हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, 341,139 GAPS, एवरेज में 320,000 के आसपास देखने में 87% मैक्स आउट परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। हाँ, यहाँ पे मैंने 100 थ्रेड्स और 10 मिनट की टेस्टिंग की मैंने सेट किया था। यहाँ पे सेफ्टी नेट हम लोग को बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग को फेल देखने को मिला गया क्योंकि मैंने यहाँ पे मैजिक मैनेजर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ FPS मीटर के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग DRM इन्फो की बात करें तो वाइडबैंड L1 देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पबजी में हम लोग को बाय डिफॉल्ट 60 FPS देखने को मिलता है, इस वजह से मैंने 60 FPS का ही गेम प्ले किया हुआ है, उसमें भी मुझे काफी अच्छे FPS देखने को मिल गए थे। इसके अलावा यहाँ और कोई चीज बाकी नहीं है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो कंक्लूजन मेरा कुछ इस तरीके का है कि रोम काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी अच्छी है। दिक्कत ये है कि बैटरी बैकअप का जो आइडल ड्रेन है वो हाई है, और एक्टिव ड्रेन मैनेजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें काफ़ी अच्छा हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर आपने डिवाइस लॉक किया और उसमें
बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो समस्या हम लोग के लिए बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है कि भाई साहब मैक्सिमम टाइम हम लोग का फ़ोन लॉक रहता है एक हिसाब से देखा जाए, नाइट की बात करें या फिर अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर भी। एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये हम लोग को थोड़ा दिक्कत देगा। तो इसके अलावा और कोई इस रोम में दिक्कत नहीं है, जो अनलॉक हायर FPS उसमें भी हम लोग को एक खामी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ UI सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई, तो चलते हैं PUBG के गेम प्ले पे और देखते हैं कैसे कि हम लोग को FPS देखने को मिलते हैं।